कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट करते रहेंगे और हो सकेगा इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों, अपने साथी परिवार तक शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमने ये प्रयास किया है कि उन सभी तथ्यों को लेकर आए हैं जो आपके एनसीईआरटी जो विज्ञान में है और जो परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। क्लास खत्म होने बाद इसकी फीडबैक आपको टेलीग्राम पर ई-लर्निंग विद दरगेज के ऐप पर मिल जाएगी। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्रहित में फटाफट अंदाज में पढ़ेंगे और आज के एनसीईआरटी के टॉप 50 विज्ञान के प्रश्न हैं और आपके साथ मिलकर हमें पढ़ना है। आप लोग जैसे क्लास में जुड़िएगा, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का, ध्यान से अगर हम लोग देखें, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का मूल कण नहीं है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे कि कौन सा एक परमाणु का मूल कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो आप लोगों ने एकदम जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो में बने, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो प्रश्नों के उत्तर दिया करिए। हो सकता है कई बार गलत उत्तर होगा, कई बार सही उत्तर होगा, लेकिन जवाब जरूर देना है आपको, ठीक है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं एकदम सही है आप लोग को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। कौन सा परमाणु का मूल कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन मूल कण है, प्रोटॉन मूल कण है, न्यूट्रॉन मूल कण है, लेकिन अल्फा कण जो है ये मूल कण नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है और हमने भी इस प्रश्न का उत्तर आपको इसलिए डी बताया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर रहे, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक नए प्रश्न की तरफ, एक नए सीरीज की तरफ जो आपकी परीक्षा में काफी अहम भूमिका अदा कर सकती है, ठीक है। तो चलिए हम और आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु के नाभिक में न रहने वाला मूल कण है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह सवाल यहां से पूछा गया है और हम चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में न रहने वाला मूल कण है? सभी लोग प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं ना, जवाब आपका जरूर होना चाहिए। हो सकता है कई बार कुछ लोग जवाब गलत देते हैं, कुछ लोग सही देते हैं, लेकिन आप जवाब दीजिएगा कि क्या गलत हो चाहे सही हो, आप प्रश्न में बने रहेंगे, उत्तर देंगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ लोग को लग रहा है सर सरल सवाल है, लेकिन आगे कठिन भी आएगा, चिंता मत करिएगा। हम आपसे पहले ही कहते हैं ना, जो हमारी प्रश्न बैंक होती है वो डे बाय डे सरल और कठिन मिलाकर होता है, उन सभी का ये पूरी तरह से मिश्रण होता है, ताकि हम सिलेक्शन के करीब उन प्रश्नों को लेकर चले जहां सबके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन की, इस प्रश्न बैंक की सीरीज की शुरुआत हम आपके साथ मिलकर ही करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा और ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है। कौन सा एक परमाणु के नाभिक में न रहने वाला मूल कण है? तो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है, लेकिन न रहने वाले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन है। सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे थे, चाहे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे थे। अगला सवाल आपके सामने है, प्रोटॉन जो धनावेशित कण होते हैं स्थित होते हैं नाभिक के बाहर, नाभिक के अंदर, रिक्त स्थानों पर। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं। प्रोटॉन जो धनावेशित कण होते हैं स्थित होते हैं, जी हाँ, नाभिक के अंदर। थोड़ा सा फास्ट जवाब दीजिएगा क्योंकि आज का प्रश्न बैंक बड़ा है, हमें फटाफट अंदाज में पढ़ना होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा नाभिक के अंदर। जरा कमेंट करिएगा, मेरी आवाज आप लोग तक साफ जा रही है ना, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, जो अगला है, एक परमाणु का नाभिक घिरा रहता है ऋण धनावेशित प्रोटॉनों से, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से, उदासीन न्यूट्रॉनों से, अल्फा कणों से। तो जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी इस प्रश्न को देख रहे हैं सीरीज को, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और हम वीडियो को शेयर करते रहे, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जितना मेरा कर्तव्य उतना तो आपका भी है। चलिए सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सेशन है और हमने आपको कई बार बताया कि एनसीईआरटी का सेशन आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण और अनिवार्य होता है, खासकर जब भी हम परीक्षाओं की बात करते हैं। जवाब दीजिए फटाफट, वरना हम लोग सत्र को आगे बढ़ाएंगे। जो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे तो फिर आप लोग लगेगा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इसी के साथ अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से, मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? एक परमाणु का नाभिक जो घिरा रहता है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से, मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे। अगला सवाल है, अल्फा कणों पर होता है धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं,
सभी साथी जवाब देंगे। काफी यूनिक सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं गलत या सही जवाब दीजिएगा, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर कहीं भी लाइव देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा धनावेश। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, इस प्रश्न का उत्तर होगा धनावेश। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे.जे. थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। ये बहुत ही यूनिक सवाल है, मतलब अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। थॉमसन ने किसकी खोज की थी, रदरफोर्ड ने किसकी की थी, जेम्स चैडविक ने किसकी की थी, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, सभी लोग को जवाब देना है। तीनों लोग जुड़े हैं, इस लेसन से जुड़े हैं, इस पाठ से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। फटाफट अंदाज में कमेंट करिए और जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए जी आप लोग। जी हाँ, जेम्स चैडविक। प्रश्न नंबर 6 का जितने साथी मित्रों ने जवाब दिया है उनके जवाब सही है, बाकी लोग के जवाब यहाँ पर गलत है। हम बढ़ रहे हैं फिर से एक नए सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ आपके साथ। अगला है, न्यूट्रॉन को किस सन में खोजा गया? तो सभी लोग बताइएगा, 1932 में, 1937 में, 1895 में, 1871 में। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट करके। यहां पर होगा 1932 में। अगर आपने फिर से इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो फिर सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन का, इसमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे। प्रश्न नंबर 8 का जवाब सभी साथी देंगे, परमाणु का जो नाभिक होता है वो बना होता है। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। जो आपके सामने अगला प्रश्न है, एक नाभिक एक परमाणु का लगभग कितनेवां भाग होता है? तो सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं आप, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आपका जवाब जरूर आना चाहिए। जी हाँ, यहाँ 1/1,00,000, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर 9 का ए बताया है तो आपके जवाब सही। अगला सवाल है, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? देखिए गलत हो जाए तब भी जवाब दिया करिए, क्योंकि यहाँ पे गलती होगी, परीक्षा में गलती नहीं करनी जी। अगर आपकी तैयारी कितनी हुई है ये एनसीईआरटी के सेशन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी आपकी तैयारी कितनी हुई है, अभी आपकी तैयारी और कितनी करनी बाकी रह गई है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्लास में एकदम टाइम से टाइम तक बने रहा करिए। यहाँ गलती होगी परीक्षा में तो गलती नहीं होगी ना, तो यहाँ पर एक होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु कितने प्रोटॉन होते हैं? तो एक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। हम बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ आपके साथ। सबकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, वैसे क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है आपको मिली जाएगी। एक कार्बन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? सभी लोग बताइएगा कि एक कार्बन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1, 2, 5, 6। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करिए। 6 एकदम सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी 6 दिया है तो आपका जवाब सही है। हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 5, 6, 4। सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं। एक कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगर आपने भी यह जवाब दिया है तो आपके उत्तर पूरी तरह से सही थे। हम बढ़ रहे फिर से इसके नए सवाल की तरफ, एक नए प्रश्न की तरफ। आप लोग तैयार है ना? अगला है, रदरफोर्ड मॉडल को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जे.जे. थॉमसन, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, इसमें से कोई नहीं। तो जितने भी लोग हैं फटाफट कमेंट करिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ बने टेलीग्राम पर, क्योंकि क्लास की जो पीडीएफ है ना, क्लास की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी डे बाई डे। रदरफोर्ड मॉडल को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जे.जे. थॉमसन, नील्स बोर, जेम्स चैडविक। जी हाँ, प्लेलिस्ट बन जाएगा, लेकिन आप लोग क्लास में समय से बने रहिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे क्या होगा? नील्स बोर, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल जो आपके सामने है, ठीक, अगला है, कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन पर आवेशों की प्रकृति है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, कोई आवेश नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगर आप क्लास में बने हैं या प्रैक्टिस सेशन हल करते होंगे तो आपको यह पता होगा कि जो सेशन आप पढ़ रहे हैं, जो प्रश्न यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहां पर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका कोई आवेश नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, कोई आवेश नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरी आवाज एकदम साफ आ रही है ना? वीडियो साफ चलने की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को ना? हम इसी के साथ और आगे चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, निल्स बोर, सभी के बारे में आपको याद करना है, सभी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां गलती करिएगा, परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो यहां पर होगा जे जे थॉमसन के द्वारा। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न बैंक काफी बड़ा है आज का। यह कि परमाणु में एक भारी तथा धन आवेशित नाभिक होता है, किसने बताया था? रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया, जे.जे. थॉमसन के द्वारा बताया गया, चैडविक के द्वारा बताया गया, निल्स बोर के द्वारा बताया गया, किसके द्वारा यह बताया गया था? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। एकदम सही जवाब आपने दिया फिर से सभी लोगों ने, रदरफोर्ड द्वारा। मतलब इस प्रश्न का भी उत्तर आपका क्या होगा? ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते फिर से नए सवाल की तरफ। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 17, 35.5, 18, इनमें से कोई नहीं। नोट्स में अगर आप पढ़ेंगे लेनी विद दुर्गेश के, तो वहां पर इन सब के बारे में सब बताया गया है कहां कहां पे हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं सभी लोग। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17, 18। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, 17। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ने के बाद साथ में अगर इंपॉर्टेंट समझ में आता नोट्स बनाते चलिएगा ऑनलाइन टाइप का, या तो इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला है जो आपके सामने कह रहा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर है, किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन धन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन धन, प्रोटॉन, प्रोटॉन धन, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। क्लियर हो रहा है सबका कॉन्सेप्ट? किसी को डाउट तो नहीं है ना? परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या धन परमाणु संख्या, परमाणु संख्या धन अल्फा कणों की संख्या। प्रश्न नंबर 19 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु संख्या निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, आप लोगों के जवाब यहां पे सही थे। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों धन न्यूट्रॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों माइनस प्रोटॉनों की संख्या के। प्रश्न नंबर 20 का जवाब सभी साथी मित्र कमेंट करके जरूर देंगे। जी हां, प्रोटॉनों की संख्या के, मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या है आपका? ए है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगला है, एक दिए गए तत्व की परमाणु संख्या 92 है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या 238 है, उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हम यहां सब्ट्रैक्ट कर दें 238 माइनस 92, क्या हो गया? 13 में से 9 हो गया 4, 146। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ रहे हैं फिर से एक नए प्रश्न, एक नए सवाल की तरफ। यहां पे देखिए, घर बैठे अगर आप नोट्स चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, ये लेनी भी दुर्गेश का नंबर है,
पीसीएस केवीएस लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी पेट सुपर टेट पुलिस यूपी टेट सी टेट सभी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे घर बैठे। ठीक है, तो जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वे चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें या इस वीडियो को ही अपने पास सुरक्षित रख लें। अगला है एक तत्व के, ध्यान से देखिएगा, एक तत्व के परमाणुओं के परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, क्या कहलाता है? समस्थानिक, संभारिक, उदासीन, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 का जवाब सभी साथी मित्र दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में बने हैं। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा समस्थानिक। प्रश्न नंबर 22 का जवाब आप लोग का सही है। हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 82 तथा द्रव्यमान संख्या 208 है, उस तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देंगे। मैं चाहता हूं इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। द्रव्यमान में से हम परमाणु घटा देंगे, अब हम क्या करेंगे 208 माइनस 82, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 126। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी। क्या आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? हम द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु संख्या निकाल देंगे, हमें परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। तो जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्या आप लोग को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जवाब दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। अगला है प्रकृत रूप से प्राप्त हाइड्रोजन एक मिश्रण है, प्रोटियम ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम एवं कैल्शियम का, ड्यूटेरियम ट्रिटियम एवं कैल्शियम का, इसमें से कोई नहीं। देखिए अगर इस टॉपिक को पूरा रिवीजन कर लेंगे तो आप कभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, एक एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ मिलना नहीं है, तो आपको लगेगा जितना हमने पढ़ा उतना आपको मिल गया। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का। प्रकृति रूप में प्राप्त हाइड्रोजन एक मिश्रण है, ठीक है, यहां तक सबका सही है ना? ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है हाइड्रोजन का समस्थानिक है? प्रश्न नंबर 25 के जवाब सभी लोगों को देना है जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। क्या आपने इस वीडियो को शेयर किया है? मेरा आपसे भी सवाल है कि आपने इस वीडियो को शेयर किया है, हाँ या ना? अभी ऊपर हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है, प्रश्न नंबर 24 में पढ़ा है और 25 में, ये इंपॉर्टेंट है। और लोग गलती कर जाते हैं, कहते हैं जो आर्ट के बच्चों को कहते हैं उनको सब साइंस समझ में ही नहीं आता। अब हाइड्रोजन समस्थानिक है, प्रोटियम का भी है, ड्यूटेरियम का भी है, ट्रिटियम का भी है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर डी प्रश्न का जवाब दिया है तो आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। फिर भी कोई प्रश्न हो, फिर भी कोई सवाल हो तब यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को हटाना जुड़ना किसके बनने का कारण है, आयन का, धन आयन का, ऋण आयन का, इसमें से कोई नहीं। सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके। भाई जो भी साथी मित्र हमारे साथ बने, जो भी हमारे साथ साथी मित्र पढ़ रहे हैं वे इस प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आयन। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए आयन बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, सभी लोगों जितने लोगों ने बताया है। हम आगे चलते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कम होना या वृद्धि करता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कम होना किसकी वृद्धि करता है, आयनों में, धन आयनों में या ऋण आयनों में? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा धन आयनों में, मतलब सवाल का जो सही उत्तर है आपका वो है बी। अगर आपने बी बताया तो आपके जवाब सही है। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो अगला है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना बनने में वृद्धि करता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना बनने में वृद्धि करता है किसके? बताइए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना बनने में वृद्धि करता है,
ऋण आयनों में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है। एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन में पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस सेशन में हमारे बने हुए हैं, सभी का जवाब आना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही। 10 घाते माइनस क्या? 29 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। आठ सेमी। अगर आप लोगों ने सवाल के उत्तर बी बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। अगला है, एक परमाणु का आकार किस इकाई में परिभाषित किया जाता है? एक परमाणु का आकार किस इकाई में परिभाषित किया जाता है? परिभाषित सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में? एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 घाते माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सबके सही है ना। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक एंगस्ट्रॉम। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। 9.1×10^-28 ग्राम। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर जो होगा आपका, सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। अगर आपने इस सवाल का उत्तर ए बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर इसी के साथ एक नए प्रश्न की तरफ। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को ना। अगला है, किस तत्व का परमाणु सबसे हल्का होता है? नियान का, हीलियम का, हाइड्रोजन का? बहुत सरल सवाल है और इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले बताया हम लोग का जो सेशन है वो एनसीईआरटी साइंस है। अपनी वीडियो की शुरुआत हम लोग एनसीईआरटी के साइंस से कर रहे हैं। तो बताइए किस तत्व का परमाणु सबसे हल्का होता है? तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपने एकदम सही जवाब दिया, हाइड्रोजन, मतलब सी। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? चूना पत्थर, सिरका, खाने का सोडा, रेड लेड। चूना पत्थर को किस नाम से जानते हैं कमेंट करिएगा। सिरका को और क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? साधारण नमक, चिली साल्ट पीटर, लाइम स्टोन, खाने का सोडा। बताइए सभी लोग जवाब दीजिए। सब लोग कमेंट करिए। पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर है चिली साल्ट पीटर। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो जवाब सही है। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ये पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक हैं, एनसीईआरटी का सेशन है पूरा। नीचे देखिए, समीकरण में उत्पाद कौन सा है? CO2 H2O H2CO3। इसमें क्या होगा? CO2 होगा, H2O होगा, H2CO3। क्या उत्पाद होगा इसमें? H2CO3। मतलब इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका वो सी है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था तो आपके भी कॉन्सेप्ट, आपके भी जवाब पूरी तरह से सही थे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग के साथ। यहां पे देखिए, नोट संबंधी कोई जानकारी इस नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे कम द्रव्यमान का कण है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, बीटा।
सबसे कम द्रव्यमान का कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण। यहां पर होगा बीटा कण। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताए हैं तो आप सबके जवाब पूरी तरह से सही। वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे जे थॉमसन। तो जितने भी साथी इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डेली क्लास में टाइम से बने रहिएगा, टाइम तक के लिए रहिएगा। तो वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया कौन थे वो? बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके, जॉन डाल्टन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। हम इसी के साथ नए प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, नए सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, वैसे इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर है? हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने लोग लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं। बताइए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर है? तो आपका जवाब सही आएगा, प्रोटॉन। वैज्ञानिक जिसने परमाणु संख्या की खोज की, एच जी टी मॉसले, जे जे थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड। ये सब आप लोग को इलानी बुद्रगेश में मिल जाएंगे नोट्स में। तो यहां पे होगा एच जी टी मॉसले ए इस प्रश्न का सही जवाब है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्व तो जिनकी नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते जाना जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, प्रोटियम। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तत्व तो जिनकी नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते जाना जाता है, एकदम सही जवाब आपने दिया है, प्रोटियम, मतलब डी। हाइड्रोजन के सबसे भारी समस्थानिक का नाम क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, टेराटियम। वैसे ये तो समस्थानिक ही नहीं है, और सबसे भारी की अगर बात किया जाए तो ट्रिटियम है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आपका सी है। अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो सही है। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न है, क्या क्या रहते हैं? आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोमोर, आइसोमर। सब लोग जवाब दीजिए, समय चल रहा, देखिए कितने सेकंड में आप लोग इसका जवाब दे रहे हैं। सब लोग इसके जवाब दीजिए फटाफट। आइसोटोप सी, सब लोगों ने सही बताया है। कह रहा इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है लगभग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है लगभग 1×10^-12 सेमी, 1×10^-3 सेमी, 1×10^-10 सेमी, 1×10^-5 सेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1×10^-12 सेमी, मतलब इस सवाल का उत्तर है आपका ए। ठीक है, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? एक परमाणु की त्रिज्या किस क्रम की होती है? 10^-14, 10^-8 सेमी, 10^-24 सेमी, 10^-18 सेमी। ये अगर शुरू से क्लास पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रश्न में ही प्रश्न आपका ये बना है, तुरंत आप इसका जवाब दे लेंगे सभी लोग। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व तो ऐसा है जिसकी संयोजकता 3 है? सोडियम, क्रोमियम, कैल्शियम, मरकरी। कौन सा तत्व तो ऐसा है जिसकी संयोजकता 3 है? क्रोमियम।
आप लोगों ने इसका उत्तर बी बताया तो सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब बना हुआ आयन क्या कहलाता है? केटाइन, एनाइन, धनायन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब बना हुआ आयन कहलाता है, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। एनाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाइन कहलाता है। निम्नलिखित कोई एक जिसकी संख्या एक संतुलित समीकरण दोनों ओर बराबर होनी चाहिए, कोई एक जिसकी संख्या एक संतुलित समीकरण में दोनों ओर बराबर होनी चाहिए, अणुओं में, परमाणुओं में, न्यूट्रॉनों में, मूलकों में। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहां पर उत्तर होगा इसका परमाणुओं में। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, किसी को कोई प्रश्न डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु संख्या के बारे में सही नहीं है? अब देखिए, नहीं है वाले प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में होते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको देना, क्योंकि क्लास खत्म होने का कगार चल रहा है, टॉप 50 प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस की, तो इसका जवाब आपको खुद देना है। बताइए सभी लोग, कल से क्लास में टाइम से रहेंगे सब लोग ना, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। अब देखिए, परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित धन आवेश के बराबर होती है, सही है। परमाणु संख्या नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों के बराबर होती है, यह भी सही है। परमाणु संख्या अतिरिक्त नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यह भी सही है। परमाणु संख्या नाभिक उपस्थित न्यूट्रॉनों के बराबर होती है, ये गलत है। मतलब जो गलत है वही आपका यहां पर सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी के मन में कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अगला है आपके सामने, ये आज के टॉप 50 प्रश्न की जो सीरीज थी वो यहाँ पे आज समाप्त हो जाएगी। अब आप लोग को देखिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डेली क्लास के लिए लगभग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। टेलीग्राम पे आप दुर्गेशर जैसे ही सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहीं पर है जहाँ पर सारी क्लास की लिंक आपको, वीडियोज भी आपको मिलती रहेंगी। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी चाहें तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सभी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती हैं। मेरी क्लासेज निःशुल्क है आप सभी के लिए। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेगा सभी लोगों तक। एक ही तत्व के दो समस्थानिक भिन्न होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या में, परमाणु संख्या में, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या में, नाभिक से बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। अब आप जरा इसका जवाब दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। अब आखिरी के दो सवाल बचे हैं, हम आपके हिसाब से ही चलेंगे। सोने का प्रतीक है, प्रश्न नंबर 50 में बताइएगा, सोने का प्रतीक है, तो सोने का प्रतीक है तो आप लोगों को सबको पता है इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। ठीक, लेकिन अब आप लोग 49 बताइए और सेशन समाप्त होगा। जब भी क्लास में आकर वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐप जो प्ले स्टोर का वो डाउनलोड करिएगा इलर्निंग विद दुर्गेश का। कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो आप इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका है सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी समय, ठीक है, प्रतिदिन की सीरीज में जहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी सेशन को पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्लास में बने रहिएगा, हम आपके साथ हैं, आप भी साथ दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं, ठीक है, और आपकी रेस हमेशा सिलेक्शन से और सिलेक्शन से रहेगी। इसलिए मेरे साथियों, इस देश के निर्माताओं, सरकारी नौकरी के लिए एनसीईआरटी बहुत अहम और जरूरी है, और हम इसलिए एनसीईआरटी का सेशन आपके लिए प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं, और अब चाहते हैं कि आप भी सेशन में बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन के साथ इसी समय। अपने सभी मित्रों को बता दीजिए कि ई लर्निंग विद दुर्गेश पर एनसीईआरटी की सेशन सीरीज शुरू हो चुकी है,
और अगर आप चाहें एनसीईआरटी की पीडीएफ नोट्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। यह नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। आप इन नोट्स को तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये पूरी एनसीईआरटी की नोट्स हैं, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर है। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।